Good morning, students. So today we are going to discuss one of the important topic of chapter number 9, that is issue of debenture with redemption point of view. Like इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम इशू करते हैं कोई भी डिवेंचर्स, तो हम इशू के डेट में ही सोच लेते हैं या देखते हैं कि वो कब हमें रिडेम्पशन करना है. लाइक हमें 5 ईयर्स में रिडेम्पशन करना है कि 10 ईयर्स में रिडेम्पशन करना है या फिर 15 ईयर्स में रिडेम्पशन करना है. तो हम उस दिन खड़े होकर के सोच लेते हैं कि हमें रिडेम्पशन कब करना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इशू ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से डिवेंचर को कितने साल के बाद रिडेम्पशन करना है. ठीक है, तो हम लोग उसी दिन एक हमारे यहाँ तो जो भी रिडेम्पशन की एंट्री होगी वो हम रिडीम करेंगे 5 ईयर्स बाद. ठीक है, बट हम आज के डेट में, जिस डेट में हम इशू कर रहे हैं, उस डेट में भी हम क्या करते हैं, एक रिडेम्पशन की एंट्री पास कर लेते हैं. एंड दिस टॉपिक इज, दैट इज वाई कॉल्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर विथ रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब हमें इशू ही किया है ये सोच करके कि हमें 5 साल के बाद रिडीम करना है इस शेयर्स को, सॉरी डिवेंचर्स को. और इसीलिए हम लोग आज की तारीख में उसको रिडेम्पशन करने के लिए एक एंट्री पास कर लेते हैं. अभी हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि अगर हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो उसके 3 वेज होते हैं. या तो हम पार में इशू कर सकते हैं, या प्रीमियम में इशू कर सकते हैं, या डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं. ठीक है, या तो फिर हम अगेन पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं. बट रिडेम्पशन मतलब होता क्या है कि हम पेमेंट कर रहे हैं. ओके, पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट हम पार में कर सकते हैं. एग्जाम्पल ये है कि हमने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, 100 रुपये दे दिया. ठीक है, प्रीमियम में कर सकते हैं, मतलब हमने इशू कितना करा था, ये देखो 10 रुपये में, 110 रुपये में शेयर खरीदा था, उसको 100 रुपये में कर दिया. ओके, और यहाँ पे मान लो हमने 95 रुपीज में खरीदा था, अगेन हमने 100 रुपये में रीपेमेंट कर दिया. ठीक है, पार में मैंने हमें 100 रुपये में इशू करा था एंड हमें देना है, तो ये वाली जो प्रीमियम है एंड ये वाली प्रीमियम है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम है. ठीक है, ये वाली प्रीमियम में क्या होता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम लोग खोलते हैं. बट ये वाली प्रीमियम में, हम रिडेम्पशन वाली प्रीमियम में हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी 2 तरह के प्रीमियम मैंने लिखे हैं, प्रीमियम ऑन इशू, तो ये प्रीमियम ऑन इशू, ये इस तरह की प्रीमियम है, दैट इज वाई आई एम गिविंग 10 हियर. एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो ये रिडेम्पशन टाइम की प्रीमियम है जिसमें हम 15 रुपये दे रहे हैं. ठीक है, तो 100 + 15 हो गया यहाँ पे, अगेन 100 + 15, बट ये वाला प्रीमियम कितना है, 100 + 10. ओके, एंड डिस्काउंट तो 95 है. तो हम कभी भी डिस्काउंट में रिडेम्पशन नहीं करते हैं. हम प्रैक्टिकली इंडिया में तो खास करके हमें नहीं सिखाना है कि हमें डिस्काउंट में रिडेम्पशन नहीं करना है. ओके, तो हम यहाँ पर रिडेम्पशन 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पार में या फिर प्रीमियम में. ओके, या फिर पार में या फिर प्रीमियम में. ओके, तो इस तरह से अगर मैं देखिए, हम लोग देखिए, तो यहाँ पे 6 केसेस बनती हैं, 6 केसेस बनती है जो कि हमें देखना है. अब बहुत ही सिंपल केसेस हैं, बहुत ही सिंपल, इसकी एंट्री आप सोचोगे भी नहीं और एंट्री ख़त्म हो जाती है. ओके, अभी हम लोग ये कर रहे हैं लमसम वाली. ठीक है, लमसम मतलब मैं बस आप लोग को सिखाना चाहती हूँ, तो आई एम डूइंग अ लमसम एंट्री. वैसे इसको इसका जो इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री होता है वो भी होता है, बट आप लमसम सीख लोगे तो इंस्टॉलमेंट वाला आराम से कर लोगे. ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इशू करा, डिवेंचर इशू करा पार में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, मतलब आप भूल जाओ कि आप रिडेम्पशन कर रहे हो, आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो, बिल्कुल भूल जाओ. तो आप क्या करोगे, बस पार की एंट्री करोगे. ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, अगर मैं बोलूंगी इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार की एंट्री करो, तो आप लोग सब करोगे, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री थी. फिर आप करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू, अभी परसेंटेज नहीं दिया, सो आई एम टेकिंग हियर X% डिवेंचर अकाउंट, बस यही एंट्री हम लोग करते थे. और यहाँ पे पार है, पार की एंट्री है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो 100 रुपया दे देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ दे देंगे.
अब हमने अभी क्या करनी है, सबसे पहले तो इशू की एंट्री करनी है जो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें देखो रिडेम्पशन में देखो, पहले तो इशू की एंट्री करनी है, तब हमें रिडेम्पशन की तरफ देखना है, ठीक है। हमने इशू की एंट्री कर ली, अब रिडेम्पशन हमें सिर्फ इसको देखना है, इसमें क्या लिखा है 100 रुपीज, ठीक है। इसमें क्या लिखा है 100 रुपीज, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमें कितने का पैसा वापस करने समय कितना देना था, 100 रुपीज ही देना था। तो नो प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम। जैसे ही हमें ज़्यादा पैसा देना की बात होती है तब प्रॉब्लम हमारा अराइज होता है, बट हमने जितने पे इशू करा हमें उतना ही पैसा अगर देना होता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, देन देर इज अ नो प्रॉब्लम। हम वहाँ पे कोई भी स्पेशल एंट्री नहीं पास करते हैं, तो ये एंट्री, ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, नाउ केस टू। ओके, केस टू देखते हैं। केस टू क्या है, प्रीमियम इशू। देखो ये देखो केस टू यहाँ पे है, हमने इशू कर रहे हैं किसमें, प्रीमियम में कर रहे हैं, और एक शेयर का कितना दाम है 110 रुपया, ठीक है। उसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन। ओके, तो इशू एट प्रीमियम की हम जो एंट्री करते थे वो करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू X% डिवेंचर अकाउंट, एंड उसके बाद एक अकाउंट नया खुलता था दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट इज SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे कितना है हमारा, देखो 110 है, हमने 10 रुपये के प्रीमियम पे इशू करा था, तो 110 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 110, इधर भी कितना आ जाएगा 110, और इसकी कितनी है, हम कैपिटल में मतलब डिवेंचर कैपिटल में X% डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे 100, और सिक्योरिटी SPR में ट्रांसफ़र करेंगे 10, ठीक है। अब हमें देखनी कौन सी है, आई हैड टोल्ड X% वाला देखना है, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखा यहाँ पे 100 है, ओके, और फिर हम यहाँ पे मैच करते हैं रिडेम्पशन में, यहाँ भी 100 है, इट मीन्स देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। ओके, सो वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट एंट्री। तो अब केस थ्री में आ जाते हैं। केस थ्री में क्या है, इश्यू एट डिस्काउंट, हम लोग डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू कर रहे हैं। सिंपल सी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे कितना लिखेंगे 95, हेयर ऑल्सो 95, यहाँ पे देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू, यहाँ पे लिखेंगे X% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे हम करते हैं 95, यहाँ पे करते थे 100, और जो डिफरेंस आता था उसको हम यहाँ पे लिखते थे, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ओके डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपीज। अब हमें देखनी कौन सी एंट्री है, X% वाली, हम X% वाली पे नज़र गड़ाए हुए हैं, यहाँ पे कितना है 100। अब हम इधर देखेंगे, एंट्री करने के बाद हम रिडेम्पशन को देखेंगे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, दैट मीन्स देर इज़ अ नो प्रॉब्लम एंड नो स्पेशल एंट्री इज पास्ड इन दिस केस। ओके, अब हम देखते हैं, इट इज़ सो सिंपल, केस 4, ठीक है। केस 4 में हम देखेंगे कि हमें पार में इशू करना है, तो दैट्स वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100, हियर आल्सो 100, ओके, देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हम कर लेते हैं,
और यहाँ लिखते हैं 2x% डिवेंचर अकाउंट 100 एंड 100। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमें हमने लिखा है 100 और हमें देना कितना है 115। ओके, सो इन दिस केस देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशल एंट्री टू बी पास्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पेशल एंट्री पास करेंगे, उसका नाम लिखेंगे 2 premium ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, 2 premium ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, और कितने का है 15 rupees लिख देंगे। अभी देखो इधर 10 है, इधर 115 है, सॉरी इधर 100 है एंड इधर 115 है, तो क्या ये बैलेंस कर रहा है? आंसर इज नो। तो हम बैलेंस करने के लिए एक एंट्री इधर डेबिट में भी खोल देंगे, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, यहाँ पे DR और यहाँ पे 15। ओके, तो इन दिस केस वन स्पेशल एंट्री इज पास्ड। जैसे ही हमें एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, देखो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैसा देना था केस नंबर 4 में, 15 rupees एक्स्ट्रा देना था, तो हम इस केस में क्या करा, हमने एक स्पेशल एंट्री पास करा इन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड, दोनों तरफ हमने एक एक अकाउंट खोला। ठीक है, नीचे वाले जो हमने डेबिट पे अकाउंट खोला उसको हमने कहा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ओके, एंड लॉस ऑन इशू, ठीक है, लॉस ऑन इशू, ओके, एंड इधर कहा कि 2 premium ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ओके, नाउ केस फाइव देखते हैं। केस फाइव में क्या है, हमारा इशू किस में है, प्रीमियम में है, हम प्रीमियम में कर देते हैं। ठीक है, प्रीमियम में करेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट DR 2 debenture एप्लीकेशन अकाउंट 110। ओके, देन अगेन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, ओके, 2x% डिबेंचर अकाउंट, ओके, 2 SPR अकाउंट। पहले हम तो ये सिंपल सी रिडेम्पशन की एंट्री कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है 110 है, और यहाँ पे कितना है 100 आ जाएगा, एंड SPR है 10। ठीक है, अब हमें देखना है इसको, यहाँ पे 100 है, हमें देने कितने हैं 115। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और एक्स्ट्रा अमाउंट खोलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक और एंट्री खोलना पड़ेगा एट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसको 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 115 हो जाएगा, तो इसको हमने कह दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 5 हो गया 115, एंड इधर भी सेम कर दिया। एक तो SPR को भी हम ऐड करेंगे इसमें, कि SPR भी हमारा 10 है, दैट इज 110 हो गया। 5 इज अगेन वी हैव टू डू, जो हमने 115 देना था हमें यहाँ पे 110 दे रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हमें 5 rupees की एक और एंट्री देनी पड़ेगी यहाँ पे, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, दैट इज 5 rupees। ओके, तो नथिंग स्पेशल, थोड़ी स्पेशल एंट्री हुई इसमें, कि यहाँ पे लॉस ऑन इशू की भी एक खुल गई, और यहाँ पे 2 premium रिडेम्पशन की भी एक खुल गई, जो भी और हमारा टोटल हमारा कितना था 115 हो गया। केस 6, ओके, केस 6 में देखिए हम इशू किस में कर रहे हैं, डिस्काउंट में कर रहे हैं, ओके, 95 rupees हो जाएगा बैंक अकाउंट DR 2 debenture एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल है ये तो, 95 95। ओके, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2x% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने और भी एक एंट्री करना था, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट DR। ठीक है,
तो यहाँ था 95 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 100, ठीक है, दिस इज 100, ओके। तो ये था हमारा अभी का एंट्री। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे है कितना 100, हमें देने कितने हैं 115, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट करके यहाँ पे 15 रुपीस के लिए खोल देंगे, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हमने एक अकाउंट यहाँ पे खोला, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें भी यहाँ पे भी एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट इज लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 15, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 6 केसेस रिलेटेड विथ इशू ऑफ डिबेंचर विथ रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।